नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आइए देखते हैं आज की शिक्षा जगत की एवं रोजगार जगत की प्रमुख खबरों के बारे में। तो BEO मतलब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर 2019 के प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। प्रदेश के 18 जिलों में 16 अगस्त को 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित होगी प्रारंभिक परीक्षा। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल। परीक्षार्थी कर रहे हैं परीक्षा स्थगित करने की मांग। आइए पूरी खबर देख लेते हैं। लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी 2019 प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने की मांग के बीच आयोग ने बुधवार को प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। इससे उन अभ्यर्थियों को झटका लगा है जो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। प्रवेश पत्र जारी कर आयोग ने यह संदेश दे दिया है कि वह 16 अगस्त को परीक्षा कराने के अपने फैसले पर कायम है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में आयोग का एक कार्यालय आदेश वायरल हुआ था, जिसके बाद सचिव जगदीश ने इस आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि BEO प्रवेश परीक्षा जो प्री है उसमें पूर्व निर्धारित तिथि पर ही होगी। हालांकि इसके बाद भी प्रतियोगी BEO व BEd प्रवेश परीक्षा को लगातार स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि परीक्षा दिन में 12 बजे से 2 बजे तक प्रदेश के 18 जिलों आगरा, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, सीतापुर, वाराणसी तथा मथुरा के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र पर नियत समय पर 2 फोटो व ID प्रूफ के साथ मूल एवं छायाप्रति लेकर उपस्थित होना होगा। आइए हम लोग देखते हैं दूसरी खबर। तो ACF व RFO मेंस 2017 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी सामान्य एवं विशेष चयन मुख्य परीक्षा 2017 का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया है। आइए देखते हैं अगली खबर। तो आर्थिक रूप से पिछड़ों का मामला संविधान पीठ को। पूरी खबर देख लेते हैं। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों को नौकरियों एवं दाखिले में 10% आरक्षण देने के मामले की सुनवाई अब 5 जजों की संविधान पीठ करेगी। उच्चतम न्यायालय ने 3 जजों की पीठ ने बुधवार को यह फैसला दिया है। न्यायमूर्ति AS बोबड़े की बेंच ने 31 जुलाई 2019 को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में केंद्र के इस फैसले को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति AS बोबड़े की अध्यक्षता वाले 3 न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहा कि एक बड़ी पीठ 35 न्याय याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। गैर सरकारी संगठनों, जनहित अभियान और यूथ फॉर इक्वेलिटी ने 35 अन्य लोगों के साथ यह याचिका दायर की है। इन याचिकाओं में संविधान 103 संशोधन अधिनियम 2019 को रद्द करने की मांग करते हुए कहा गया कि आर्थिक मानदंड आरक्षण के लिए एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। इससे पहले 3 शीर्ष अदालत ने सामान्य वर्ग के गरीब अभ्यर्थियों को नौकरियों और दाखिले में 10% कोटा देने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तब केंद्र ने अपने फैसले का बचाव किया था, कहा था कि संविधान 103 संशोधन अधिनियम 2019 में EWS को 10% आरक्षण देने का इरादा लगभग 20 करोड़ लोगों को विशेष सुविधा प्रदान करना है जो अभी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगली खबर। तो अगली खबर आ रही है BEd प्रवेश परीक्षा को लेकर। तो 2 पालियों में होगी BEd प्रवेश परीक्षा। 9 अगस्त को होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा BEd 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली की जो परीक्षा है वो 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पूर्व अभ्यर्थियों को केंद्र पर पहुंचना होगा। यह जानकारी लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवक्ता दुर्वेश कुमार श्रीवास्तव ने दी। आइए हम लोग देखते हैं अगली खबर। तो ये पूरी खबरें जुड़ी हुई हैं यूपी बोर्ड से। तो यूपी बोर्ड में कक्षा 9 से 12 तक के जो प्रवेश हैं वो 31 अगस्त तक होंगे। उनकी अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है और परीक्षा जो यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए अब आवेदन जो है वो 31 सितंबर तक होंगे। प्रवेश लेने तथा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 तक बढ़ा दी गई है। तो आपको बताते चले कि कोरोना संक्रमण के चलते यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए आवेदन की धीमी गति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड की सिफारिश पर बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन की जो तिथि है 16 अगस्त से 21 सितंबर तक कर दी गई है।
हाई स्कूल व इंटर की संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षा के आवेदन पत्र बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर बिना विलंब शुल्क के 21 सितंबर तक अपलोड किए जा सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगली खबर। तो SSC की जो CHSLE यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की जो 10+2 लेवल की परीक्षा होती है, उसकी परीक्षा के अभ्यर्थियों की कापियां दोबारा उनका मूल्यांकन कराया जाएगा। तो 10+2 SSC 2018 के 4560 अभ्यर्थियों को की जो है कापियां दोबारा जांची जाएंगी। कर्मचारी चयन आयोग ने Tier 2 के 4560 अभ्यर्थियों की कापियों को दोबारा मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया है। कर्मचारी चयन आयोग ने SSC 2018 Tier 2 का आयोजन 29 सितंबर 2019 को कराया था। परीक्षा में 45,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन 36,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा का रिजल्ट 25 फरवरी को घोषित हुआ। इसमें से लगभग 4500 से अधिक अभ्यर्थियों को अनुचित साधनों का प्रयोग करने के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था। फिर अभ्यर्थियों ने अपनी गलती मानते हुए कापियों का पुनर्मूल्यांकन कराने की गुजारिश की। इस पर आयोग ने 21 मई को विशेषज्ञों की एक जांच समिति गठित करने का निर्णय लिया। समिति ने 16 जुलाई को रिपोर्ट आयोग को सौंप दिया। रिपोर्ट में कापियों का पुनर्मूल्यांकन कराने की सिफारिश की गई। अगली खबर देखते हैं। तो अगली खबर आ रही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक और कर्मचारी 31 अगस्त तक घर से काम करेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों में शिक्षक कर्मचारी शोधार्थी को अब 31 अगस्त तक घर से काम करने की सलाह दी गई है। अगली खबर देखते हैं। तो ये जुड़ी हुई है उद्योग जगत से। तो रिलायंस दुनिया का दूसरा बड़ा ब्रांड बन गया है। उद्योगपत मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में एप्पल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। दुनिया का जो सबसे बड़ा पहला ब्रांड है वो है एप्पल, दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज रिफाइनरी, खुदरा और दूरसंचार क्षेत्र में काम करने वाली रिलायंस एक प्रमुख कंपनी है। इस सूची में एप्पल सबसे शीर्ष पे है, दूसरे पे रिलायंस है, तीसरे पे सैमसंग, चौथे पे एनवीडिया, पांचवें पे मोताई, छठे पे नाइकी, सातवें पे माइक्रोसॉफ्ट और आठवें पे ASML, नौवें पे पेपाल व दसवें पे नेटफ्लिक्स। सूची में रिलायंस इंडस्ट्री हर पैमाने पर खरी उतरी है। अगर आपको ये सभी जानकारियाँ अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको रोज की रोज शिक्षा जगत की प्रमुख खबरें आपको लगातार मिलती रहें। धन्यवाद।